क्या थीम्स है इस पोएम के अंदर, एंड ड्रीन रिच इसके अंदर क्या लिखती है? अगेन अ फेमिनिस्टिक पोएम। डाइविंग इनटू द रेक जो है वो एक औरत की कहानी है जो कि एक समंदर में कूदती है कि वो अपनी एक्चुअली लॉस्ट आइडेंटिटी को फाइंड करना चाहती है, या वो एक ट्रेडिशनल जो एक सोसाइटी है जिसको जिसमें औरत को उसके हकूक नहीं मिलते और औरत उस सोसाइटी के अंदर इस हद तक डूब चुकी है कि वो रेक बन चुकी है। रेक इंसान कब बनता है? रेक क्या होता है? एक जो शिप होता है जो बहुत पहले, जैसे टाइटैनिक का रेक मिला था ना, सेम इज द केस डाइविंग इन टू द रेक, कि वो एक पुराना सा बोसीदा सा जो एक चौकटा मिलता है एक स्पीकर को जो कि डाइव करती है समंदर के अंदर, और वो एक्चुअली क्या ढूंढना चाह रही है? वो उसी औरत की लॉस्ट आइडेंटिटी को ढूंढना चाह रही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिडीवल वुमेन और द जो पास्ट में जो एक औरत के साथ इतना कुछ हो चुका है उसमें और आज की औरत में क्या फर्क है। चलें पास्ट की औरत तो बेचारी वो पढ़ी लिखी नहीं थी या कुछ इस तरह से था उसके, लेकिन आज की औरत जो है उसके साथ फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो समंदर से बाहर की दुनिया वो आज की दुनिया और समंदर के अंदर की जो दुनिया वो पास्ट है। समंदर के बाहर की जो दुनिया है वो एक ऑब्जर्वर की है जो कि अब डाइव करेगी, एक स्पीकर की है जो डाइव करता है और वो उस लॉस्ट आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। अगेन अ फेमिनिस्टिक पोएट्री, और फेमिनिज्म औरत की हकूक पे बात होगी, इक्वल राइट्स ऑफ जो कि औरत और मर्द के इक्वल राइट्स की बात है। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा लुब्बे लबाब था। और सबसे बड़ी चीज, डाइविंग इन टू द रेक इज द जर्नी ऑफ कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस। आपको मैंने अक्सर बताया कि बेटा मेंटल, ये जो माइंड की स्टेज होती है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ माइंड स्टेज। सबसे पहले कॉन्शियस जो हम देखते हैं, सबकॉन्शियस जो हमारे बैक ऑफ द माइंड होता है, हम जो बिहेव कर रहे होते हैं ना, एक्चुअली दैट इज आवर सबकॉन्शियस। अब उसमें आपकी डिग्री का कोई रोल नहीं होता। आपका जो सबकॉन्शियस होता है वो आपका गुमान होता है, आपका फेथ, आपका ईमान होता है, ठीक है, आपका जो आपकी ड्रीम्स, आपकी विशेस, ये सारी चीजें हमारा सबकॉन्शियस होते हैं। और बाज़ औक़ात हमें खुद पता नहीं होता कि हमारी वो जो रिप्रेस्ड फीलिंग्स भी होती है ना, वो भी हमारा सबकॉन्शियस होती है। कॉन्शियस क्या है? जो हमें हर चीज़ सामने नज़र आ रही है, ये मुझे लैपटॉप जो नज़र आ रहा है, जो मैं मतलब फुल अपने कॉन्शियस हालत में एक चीज़ को हाथ लगा रही हूँ, ये सब कॉन्शियसनेस है। यानी कि मैं होशो आवाज़ में एक चीज़ को अपने आंखों से देखती हूँ और कानों से सुनती हूँ। सब कॉन्शियस इज द बैक ऑफ द माइंड, ठीक है। आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके बाज़ औक़ात इंसान के अंदर फियर्स होते हैं, ठीक है, फीलिंग्स होती हैं, मोटिवेशन, दैट इज आवर सबकॉन्शियस। एक इंसान की विल पावर स्ट्रॉन्ग है, दैट इज द सबकॉन्शियस, दैट इज नॉट द कॉन्शियस। विल पावर नजर नहीं आती, ठीक है। तो हर चीज जो नजर आ रही है वो कॉन्शियस है। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड जो कि हमारे सबकॉन्शियस, जो कि नजर नहीं आती, एंड देन द इनर कॉन्शियस, ठीक है। इनर कॉन्शियस मीन कि इंसान जो चीज़ देखता है और उसके बाद जब वो अपने सबकॉन्शियस को जान जाता है। बेटा कभी अपने अंदर झांक के देखिएगा कि आपका सबकॉन्शियस क्या है, ठीक है, अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, दैट इज द सबकॉन्शियस। कि अपने सबकॉन्शियस को जानो, तुम्हारे फेथ क्या है, तुम्हारे एम्स क्या है, तुम चाहते क्या हो, रिप्रेस फीलिंग्स क्यों हैं, फियर्स को क्यों ओवरकम नहीं करते, ये सब सबकॉन्शियस है। और हमें बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता हमें किस चीज से डर लगता है और हम डरते रह जाते हैं, दैट इज द सबकॉन्शियस, ठीक। तो ये वही फियर्स, वही रिप्रेस्ड फीलिंग्स, ये सारा डाइविंग इनटू द रेक इज बेसिकली द जर्नी ऑफ कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस। एंड वंस यू रीच टू द सबकॉन्शियस ऑफ योर ओन सेल्फ, यू विल फाइंड योर इनर सेल्फ। आप अपनी इनर सेल्फ को उस वक्त फाइंड आउट करते हैं जब आप अपने आप को जान जाते हो, ठीक है। तो सबकॉन्शियस देन लीड्स टुवर्ड्स द इनर कॉन्शियस, एंड इनर कॉन्शियस लीड्स टू द सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। दीज आर द स्टेट्स ऑफ माइंड, के एक जो चीज जो हमें नजर आती है, एक जो हमारे सबकॉन्शियस में होती है, अब वो अपने सबकॉन्शियस के अंदर डाइव करने लगी है। वो अपने सबकॉन्शियस के अंदर डाइव करके देखेगी कि भाई मेरी आइडेंटिटी क्या है, व्हाट आई वांट, व्हाट आई नीड, और आई हैव टू बिहेव इन द सोसाइटी, कि जो मेरी सोसाइटी मुझसे
डिमांड कर रही है, मतलब मैं क्या हूँ और अकॉर्डिंग टू सोसाइटी मैं क्या हूँ और अकॉर्डिंग टू मी मैं क्या हूँ। ठीक, तो ये है जनाब एक लॉस्ट आइडेंटिटी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए वो अब कूदने लगी है कहाँ, समंदर के अंदर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसका पढ़ाती चलूँ आपको, फिर हम टेक्स्ट पे चलेंगे। डाइविंग इनटू द रिच वाज फर्स्ट रिटन बाय एन ग्रीन अमेरिकन पोएट एन ग्रीन रिच एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन द कलेक्शन ऑफ द सेम नेम इन 1973। द पोएम ओपन्स एज अ स्पीकर प्रिपेयर्ड फॉर अ डीप सी डाइव। ठीक है, और स्पीकर क्या होता है, यहाँ पे वो कहेगी ना कि भाई मैं आए। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने क्या देखा था कि वो जो स्पीकर है वो बताता है हमें, यहाँ पे भी ओपन एज द स्पीकर पर्सोना आए, प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्स फॉर अ सी डाइव, समंदर में कूदने की तैयारी हो रही है। एंड देन फॉलोज द स्पीकर्स एक्सप्लोरेशन ऑफ अ शिपरेक, और वो जो स्पीकर है वो एक शिपरेक को एक्चुअली एक्सप्लोर करने के लिए कुछ तैयारियां कर। ठीक है, Rich was leading feminist poet and many critical interpretations view the poem as extended metaphor relating to the struggle of women right and liberation. ठीक है, extended metaphors क्या होते हैं, ऐसे images, ठीक है, जो कि refer करते हैं, किसको relate करते हैं, किसी theme को। ठीक है, और वो किस theme को कर रहे हैं, the struggle for women right and liberation, इसको बेटा अपने notes में लिखें जरा, द स्ट्रगल फॉर ह्यूमन राइट्स एंड लिबरेशन। ठीक है, दैट सेड द पोएम इज रिच विद सिंबलिज्म रिलेटेड टू अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इट्स रीडिंग डज नॉट नीड टू बी लिमिटेड बाय अ रिच बायोग्राफी। आप लोगों को मैंने ऐप डाउनलोड करने के लिए जो दी हैं उसमें आज डिक्शनरी में देखिएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटाफर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंबलिज्म, व्हाट इज इमेजरी, ये सारी चीजें आपने एक दफा उसमें देखनी है। ठीक है, तो वो क्या कहती है कि पोएम जो है वो रिच है विद सिंबलिज्म रिलेटेड टू वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इट रीडिंग डज नॉट नीड टू लिमिटेड बाय रिच बायोग्राफी। फॉर एग्जांपल इट कैन आल्सो बी टेकन एज मोर जनरल एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड पीपल्स रिलेशन टू द पास्ट बोथ देयर ओन एंड दैट ऑफ सोसाइटी इन जनरल। टू दैट एंड बिफोर डाइविंग द स्पीकर हैज रीड द बुक ऑफ मिथ। अब क्या है, वो एक एक्सप्लोरेशन है पर्सनल आइडेंटिटी की, जैसे मैंने अभी बात की थी ना कि सब कॉन्शियस पर्सनल आइडेंटिटी अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तो दैट इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ योर पर्सनल आइडेंटिटी एंड द पीपल रिलेशनशिप टू द पास्ट, वो पास्ट में जाएगी अभी, और बोथ देयर ओन एंड दैट ऑफ सोसाइटी इन जनरल। टू दैट एंड, फिर एंड में क्या, वो डाइविंग डाइव करने से पहले वो जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, जो स्पीकर होती है वो एक बुक ऑफ मिथ पढ़ती है। व्हाट इज मिथ, मिथ कहते हैं कोई ऐसी पुरानी, ये जो हम कहते हैं बिल्ली आगे से गुजर जाए तो पता नहीं क्या हो जाता है, काली बिल्ली के बारे में बड़ा मशहूर है, मिर्चों मिर्चों के साथ वो जो है पता नहीं क्या हो जाता है, उसको जला दें तो पता नहीं नजर उतर जाती है। दीज आर द मिथ, मतलब इसका कहीं किसी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, तो क्या है कि ये सारी मिथ है, भाई ऐसे करो तो ऐसे हो जाता है, या पुराने वक्तों की बात है कि ऐसे थी एक चुड़ैल हुआ करती थी। ठीक है, मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन क्या होता है कि ये मिथ्स हैं बेसिकली। ठीक हो गया, तो विच प्रिपेयर, और इसी तरीके से वो अक्सर, हम जब छोटे थे एक बड़ी मिथ मशहूर थी, वो जब भी बहुत छोटी थी मैं उस दौर में, आज तो पता नहीं, मेरा ख्याल है ऐसे नहीं होता होगा, जनाजों पे वो एक अम्मा जी आया करती थी और वो एक ही कहानी सुनाती थी, वो जी एक औरत थी वो कैंची से बाल काटा करती थी, तो वो जब कब्र में उसको उतारा तो कब्र की मट्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया एंड फाइनली उसको कैंची साथ दफन करनी पड़ी, फिर जाके कब्र की मट्टी ने उसको एक्सेप्ट किया। हालांकि इस तरह ये दैट इज जस्ट अ मिथ, मतलब रियलिटी में इस तरह किसी ने भी किसी को नहीं, तो ऐसे ऐसे वो वाकयात सुनाती थी कि मतलब बस, तो ये क्या होती है, दीज आर द मिथ्स, मतलब किसी ने ना देखा ना सुना ना किसी रिलीजन से इसका ताल्लुक है, और फिर हम इस तरह की कहानियां जो है वो मशहूर हो जाती हैं। तो ये क्या है, टू दैट एंड बिफोर डाइविंग द रीड ऑफ द बुक ऑफ मिथ व्हिच परहैप्स प्रेजेंट्स द एस्टैब्लिश्ड आइडिया नॉर्म्स एंड स्टोरीज अबाउट द रेक्ट। अब उस मिथ, उस बुक ऑफ मिथ में क्या था, वो पुराने वक्तों की जो उसने किताब पढ़ी उसके अंदर क्या था, व्हिच परहैप्स रिप्रेजेंट्स द एस्टैब्लिश्ड आइडियाज, जो शायद रिप्रेजेंट करती थी वो बुक ऑफ मिथ जो एस्टैब्लिश्ड आइडियाज हैं, नॉर्म्स हैं, स्टोरीज हैं अबाउट द रेक्ट, उस रेक्ट के बारे में उसको जानने से पहले उसने उसकी स्टोरीज पढ़ी कि भाई वो क्या था, एंड मेटाफोरिकली स्पीकिंग अबाउट द स्पीकर
एंड और सोसाइटी एट लार्ज, या तो वो स्पीकर की मेटाफोरिकली स्पीक करें तो वो रैक, शायद वो स्पीकर का अपना रैक था या फिर सोसाइटी का था, एंड इंस्टेड ऑन एंड इंसिस्ट ऑन इंस्टेड गेनिंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द रैक बाय मेकिंग द टैप. और वो इंसिस्ट करता है किसके ऊपर, इंस्टेड गेनिंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ रैक बाय मेकिंग. और वो इंसिस्ट करती है कि बजाय इसके कि वो गेन करे डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ रैक बाय मेकिंग द डाइव, पहले वो बुक ऑफ मिथ को थोड़ा सा पढ़ ले ताकि उसको पता तो चले ना कि भाई रैक किस चीज का है. द पोएम दस ऑल्सो बिकम्स अ काइंड ऑफ कॉल फॉर वेंचरिंग इनटू पेरिलियस अननोन इन ऑर्डर टू फाइंड द ट्रूथ. और पोएम क्या है, ये काइंड ऑफ कॉल है जो कि वेंचर है इनटू द पेरिलियस अननोन, ठीक है, एक अननोन को जानने के लिए इन ऑर्डर टू फाइंड द ट्रूथ, सच की तलाश में वो वहां पे कूद जाती है. अब यहाँ पे देखिए बेटा, डाइविंग इनटू द रेक रेक सॉरी एंड्रीन रिच 1929 से 2012, ये इसकी जनाब डेट ऑफ बर्थ एंड उसकी डेट ऑफ एंड यानी कि उसकी डेथ. अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा टेक्स्ट को. मैं पहले टेक्स्ट पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं उसको पैराफ्रेज करती हूँ, देन मैं आपको इसकी सारी लाइंस की सिंबॉलिकली मैं आप लोगों को और फिगरेटिव लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फिर आपको लिखवाऊंगी, ठीक है. तो पहले वो क्या की थी, फर्स्ट हैविंग रीड द बुक ऑफ मिथ, के सबसे पहले जब वो बुक ऑफ मिथ को पढ़ती है एंड लोडेड द कैमरा, और वो लोड करती है कैमरा को एंड चेक द एज ऑफ द नाइफ ब्लेड, और वो फिर नाइफ ब्लेड का एज चेक करती है कि ये कितना तेज है, एंड पुट ऑन द बॉडी आर्मर ऑफ ब्लैक रबर. और वो क्या करती है, वो जो आर्मर है, बॉडी आर्मर है ऑफ ब्लैक रबर, उसको भी वो पुट करती है, ठीक है. बॉडी आर्मर यानी कि वो आप देखें बंदूक के साथ एक बेल्ट बनी होती है काली सी, ठीक है, बॉडी आर्मर ऑफ ब्लैक रबर, ठीक है. तो वो ब्लैक रबर की होती है जिसके साथ एक बंदूक लगी होती है, जो हम आप गाड़ी की सीट बेल्ट देख लें, ठीक है, ये वही ब्लैक रबर है, ठीक हो गया, और साइड में वो बंधी हुई होती है. अच्छा जी, फिर उसके बाद एंड द एब्जर्व फ्लिपर्स, और वो एब्जर्व फ्लिपर्स जो है वो पहनती है, एंड द ग्रेव एंड ऑकवर्ड मास्क, और एक वो ग्रेव मोटा सा ऑकवर्ड सा मास्क भी पहनती है. आई एम हैविंग टू डू दिस नॉट लाइक कॉस्ट्यूम बट हिम एज इट डस सीम. और वो कहती मुझे ऐसा, मुझे इसको ऐसे नहीं करना कि मैं कॉस्ट्यू. कॉस्ट्यू कौन था, कॉस्ट्यू बेसिकली एक डाइवर था जो कि डीप जाता था समंदर के अंदर. वो कहती मुझे कॉस्ट्यू की तरह इसको डाइव नहीं करना भाई, और विद हिज टीम, जो कि अपनी पूरी टीम के साथ गया था, ठीक है, अबॉर्ड द सन फ्लडेड स्कूनर स्कूनर सॉरी एंड हियर अनॉन. और वो कहती है जो कि सन फ्लडेड स्कूनर यानी कि वो एक बहुत बड़े स्ट्रीमिंग ओशन के अंदर डीप डाउन गया था, एक बड़े शिप में स्कूनर के साथ गया था भाई वो, बट हियर अलोन, लेकिन मैं तो अकेली हूँ ना. लेट सी इसकी सिंबॉलिक, मैं आपको सिंबॉलिकली इसको बताती हूँ, मेटाफोरिकली इसके अंदर क्या. सबसे पहले फर्स्ट हैविंग रीड द बुक ऑफ मैथ, बुक ऑफ मैथ इज द ट्रेडिशन. फिर वो कहती है, अब वो क्या बता रही है कि पहले तो मैंने बुक रीड की जो कि मिथ से बुक ऑफ मिथ थी, उस ट्रैक को फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे पूरी केस स्टडी करनी पड़ी, और फिर मैं वो अब तैयारी कर रही है, ही नीड्स टू एक्सप्लोर द ओशन थ्रू द बुक ऑफ मैथ, ठीक है, देन शी टू फाइट अगेंस्ट द सोसाइटी और टू डाइव इन टू द सी, ठीक है. शी इज नाउ प्रिपेयरिंग, के वो अब प्रिपेयर कर रही है कि उसको उसके लिए कुछ हथियार चाहिए. उसके हथियार क्या हैं, वो कह रही है मैंने फिर क्या किया, मैंने कैमरा लोड किया, ठीक है, जिससे मुझे उस रैक की तस्वीरें लेनी है. फिर वो कहती है चेक द एज ऑफ द नाइफ ब्लेड, और साथ क्योंकि मुझे पता नहीं किस तरह की मुश्किलात पेश आएंगी क्योंकि मैं एक ऐसा काम करने जा रही हूँ जिसमें जिसकी सोसाइटी में जगह नहीं है, इजाजत नहीं है औरत को इस तरह का काम करने के लिए, तो मुझे हर्डल्स आएंगी, हो सकता है कोई जानवर आ जाए समुद्री, तो मुझे नाइफ ब्लेड भी चाहिए होगा, मुझे एक तो मैंने नाइफ ब्लेड और ये सारी चीजें, उसने तमाम जो वेपन्स हैं तमाम टूल्स हैं, सो शी कैन फाइट अगेंस्ट दिस सोसाइटी, सो शी हैज प्रिपेयर्ड ऑल द टूल, ताकि वो उस जो मिथ है या वो उस रैक है उसको फाइंड आउट कर सके, सो शी कैन एक्सप्लोर द ट्रुथ और द आइडेंटिटी और द लॉस्ट आइडेंटिटी ऑफ अ विलन.
और फिर वो कहती है एंड एसर्ट फ्लिपर्स, ये सारे उसके वही टूल्स हैं जो कि वो उस समंदर में जाने के लिए कह रही है। और वो कहती है फिर ग्रेव और ऑकवर्ड मास्क भी मुझे पहनना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा सारी चीजें वो क्यों वो करती है, टू फाइट अगेंस्ट दिस सोसाइटी और टू गो डाउन डीप इनटू द स्ट्रेंज सी, ठीक है, स्ट्रेंज ओशन एंड स्ट्रेंज सी। और वो कहती है कि मुझे अपना ये जो इतना बड़ा टास्क है वो कॉस्टियो की तरह नहीं करना, जो कि एक पूरी टीम के साथ एक स्कूनर में, सन फ्लडेड स्कूनर, एक बड़े बहरी जहाज के अंदर वो जो अपनी टीम के साथ गया था, वो कहती है वो तो मरता लेकिन मैं तो अकेली हूँ, और मुझे अपनी ये फाइट, अपनी ये लॉस्ट आइडेंटिटी, अपना ट्रुथ खुद अकेले एक्सप्लोर करना है। उसके कहने का मतलब ये है कि जो मेल है उसको तो हर तरह की सपोर्ट होती है, लेकिन एक फीमेल को अपनी फाइट जो है वो अकेले करनी पड़ती है। आफ्टर दैट वो कहती है कि देयर इज अ लैडर, ठीक है। वो कहती है वहां पे फिर एक लैडर थी, यानी कि ये जो शिप है उसके साथ एक लैडर थी जो कि कहाँ जा रही थी, समंदर के अंदर जा रही थी। उस लैडर के थ्रू उसने उस समंदर में डीपली पेनिट्रेट करना था। द लेडर इज ऑलवेज देयर हैंगिंग इनोसेंटली, और वो कहती है ये वो लेडर है जो हमेशा इनोसेंटली जो है हैंग करती है क्लोज टू द साइड ऑफ द स्कूनर। जो छोटी कश्ती है वो हमेशा जो है ये जो है वो स्कूनर में, मतलब स्कूनर के साथ हमेशा लटकी रहती है। वी नो व्हाट इज व्हाट इट इज फॉर, और हम जानते हैं किस लिए है। वी हु हैव यूज्ड इट, हम जिन्होंने इसको यूज किया, अदरवाइज इट इज अ पीस ऑफ मैरीटाइम क्लॉथ। अदरवाइज ये क्या है, एक मैरीटाइम क्लॉथ है, यानी कि रिलेटेड टू सी और कोस्ट, यूजलेस। मैरीटाइम क्लॉथ कहते हैं यूजलेस मैरीटाइम, ठीक है, रिलेटेड टू द सी और कोस्ट, यानी कि साहिल के साथ, जो कि यूजलेस क्लॉथ कहते हैं, यूजलेस मैरीटाइम जो कि रिलेटेड टू द सी और कोस्ट, यानी कि साहिल समंदर के साथ जो, और सम सन्ड्री इक्विपमेंट। और वो कहती है कि कुछ सन्ड्री इक्विपमेंट है जो कि यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे वो क्या कहती है, वो कहती है यहाँ पे हमेशा एक लेडर रहती है जो औरत को मजबूर करती है कि वो अपना पास देखे, एक दफा हैंगिंग इनोसेंटली, जो कि हमेशा हैंग करती है इनोसेंटली, यानी कि औरत के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो डीप डाउन अपने रिसेसेस को, अपने शी शुड सॉरी शी शुड डीपली रिसेस इनटू हर ओन आइडेंटिटी एंड शी हैज टू फाइंड हरसेल्फ, अदरवाइज। वो कहती है एंड वी नो व्हाट इट इज फॉर, हम औरतें जानती हैं कि ये क्यों है, ये लेडर क्यों है, हमें क्यों अपने अंदर डीप डाउन रिसर्च करना चाहिए, ठीक है, और विच वी हैव यूज्ड इट और वी हु हैव यूज्ड इट, और हम जो इसको यूज करते हैं, मतलब वो कहते हैं हमें पता है कि ये किस लिए है, ये लेडर क्यों है, ताकि हम डीप डाउन रिसर्च कर सकें अपनी आइडेंटिटी को, हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचान सकें। सो लैडर इज द सोर्स टू फाइंड द ट्रुथ एंड द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ अ विमन, अदरवाइज। वो कहती है कि इट इज अ पीस ऑफ मैरिटाइम क्लॉथ, ये तो भाई पीस ऑफ मैरिटाइम क्लॉथ है, अदरवाइज अगर हम इस लेडर को यूज नहीं करेंगे, देखें बेटा ख्यालात, आपकी इमेजिनेशन, आपका सबकॉन्शियस, ये सब तो हमारे हाथ में होता है, ठीक है। अल्लाह तो हर किसी को अपॉर्चुनिटीज देता है, लिमिटेशन लीड्स टू द इनोवेशन, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लिमिटेशन लीड्स टू द इनोवेशन। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जो हैं उन सॉरी सक्सेसफुल जो लोग हैं उनकी कभी आप कहानियां पढ़ के देखें, बड़ी मुश्किल से जाके, वो कहते हैं ना बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, दैट इज द थिंग कि लिमिटेशंस लीड टू द इनोवेशन। दैट इज नॉट द थिंग कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट कर दिया, तो मुझे मेरे शोहर ने सपोर्ट कर दिया, तो फलाने ने सपोर्ट कर दिया, तो फिर जाके आप आगे पहुंचेंगे, नहीं। जिनके पास हाथ में कोई सपोर्ट नहीं होती, लेकिन एक लैडर होती है टू फाइंड द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन सेल्फ, दे विल गो अहेड। अदरवाइज बेटा सारों की सपोर्ट हो, लोग कुछ नहीं कर सकते, पैसा भी है, सब कुछ है, पेरेंट्स भी सपोर्टिव हैं, हस्बैंड भी सपोर्टिव हैं, ऐसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सपोर्ट बहुत होती है और वो हमेशा उस सपोर्ट को देखते हैं, वो उस लैडर को नहीं देखते जो डीपली पेनेट्रेट करती है इनसाइड देयर ओन सेल्फ टू फाइंड देयर ओन ट्रूथ। तो वो कहती है अगर हम इस लैडर को यूज नहीं करें तो ये एक मैरीटाइम क्लॉथ बन जाएगा, फिर हमें कोई फायदा नहीं होगा। अगर मुझे मेरी अपनी जात का नहीं पता,
अगर मुझे मेरी अपनी ट्रू आइडेंटिटी का नहीं पता, आई कैन नॉट फाइंड माई ओन सेल्फ. ठीक, तो वो कहती है इट इज अ पीस ऑफ मैरिटाइम क्लॉथ, सम सन्ड्री इक्विपमेंट. फिर ये कोई सन्ड्री इक्विपमेंट होगा, कोई शाइनी इक्विपमेंट होगा, फिर मेरे लिए वो यूजलेस है अगर मैं उसको यूज नहीं करती. तो हर औरत को पता होता है कि उसकी एक्चुअली आइडेंटिटी क्या है. ठीक है, आई गो डाउन रन रंग आफ्टर रंग एंड स्टिल द ऑक्सीजन इमर्स मी, द ब्लू लाइट, द क्लियर एटम ऑफ आर ह्यूमन एयर. आई गो डाउन, माई फ्लिपर क्रिपल मी, आई क्रॉल लाइक एन इंसेक्ट डाउन द लैडर. And there is no one to tell me when the ocean will begin. और वो कहती है कि I go down, मैं और नीचे जाती हूँ, rung after end rung, यानी कि she is now, वो immense हो जाती है उस tradition के अंदर, उस sea के अंदर जो कि symbolically represent कर रहा है उस tradition को, जिसमें औरत entrap हो गई है. तो वो कहती है I go down rung after end rung till the oxygen immerses me, मैं इतना नीचे चली जाती हूँ कि वो जो oxygen है वो मुझे इमर्स कर लेता है. नाउ आई गो डाउन हियर द जर्नी स्टार्टेड. और ये क्या है, मेटाफर ऑफ इमर्जन ऑफ सबमर्ज कॉन्शियस. लिख लें यहाँ पे जर्नी स्टार्टेड. ठीक है, जर्नी स्टार्ट हो गया है एंड दैट इज द सिंबल ऑफ नॉलेज एंड मेच्योरिटी. ठीक है, ये जो जर्नी स्टार्ट हुआ है दैट इज द सिंबल ऑफ नॉलेज एंड मेच्योरिटी. और फिर वो कहती है कि रंग आफ्टर रंग स्टिल, वो कहती है द ऑक्सीजन इमर्स मी, वो रंग आफ्टर रंग स्टिल टू इन्वेस्टिगेट द सोसाइटी एंड द मिथ एंड द ट्रेडिशन. वो कहाँ चली जाती है, इमर मतलब अंदर चलती जाती है, तो वो जो ऑक्सीजन होता है वो उसको इतना ज्यादा इमर्स कर देता है. ब्लू लाइट, ब्लू लाइट इज बेसिकली द नाउ, अब वो जब उसके अंदर जाती है उसको ब्लू लाइट नजर आती है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज देयर. ठीक है, उसको कोई उम्मीद की किरण नजर आती है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ होप देयर. और क्लियर एटम्स, देयर आर सम क्लियर एटम्स, मतलब कुछ ऐसी चीजें उसको एटम्स नजर आते हैं जो कि कुछ कंट्रीब्यूटिंग फोर्सेस हैं. ठीक है, कुछ एनर्जीज हैं जो उसको वहां पे समझ आते हैं. तो ये क्या है, द क्लियर एटम्स, और फिर क्या है, ऑफ आवर ह्यूमन एयर. ये वो क्लियर एटम्स हैं हमारी ह्यूमन एयर की जो कि उसको वहां पे जाके नजर आती है भाई. तो फिर वो कहती है कि माय फ्लिपर्स क्रिपल मी, फ्लिपर, और उस वक्त जब मैं नीचे जा रही थी, क्रिपल कहते हैं सपोर्ट को, मेरे फ्लिपर्स जो हैं वो जो पैरों में आपने देखा होगा जो गोताखोर या डाइवर्स जो हैं अपने पैरों में पहनते हैं, वो आपने फ्लिपर्स अक्सर देखे होंगे. ठीक है, वो कहती है ये मेरे, उस वक्त जब मैं डीप डाउन जाती हूँ तो मेरे फ्लिपर्स उस वक्त मुझे सपोर्ट करते हैं. That is some sort of, आप समझ लें कि जिस परिंदे को बेटा अपने परों पे नाज होता है ना, फ्लाई वही करता है. तो वहां यहाँ भी उसके फ्लिपर्स काम कर रहे थे, बिकॉज दैट इज अ वीमेन, उसको अपने फ्लिपर्स पे, उसको अपने पता था कि उसको कहाँ पे क्या चीज यूज करनी है. आई क्रॉल लाइक एन इंसेक्ट डाउन द लैडर, और वो कहती है मैं बिल्कुल एक इंसेक्ट की तरह डाउन द लैडर जो है वो क्रॉल करती है. एंड देयर इज नो वन टू टेल मी व्हेन द ओशन विल बिगिन, और यहाँ पे कोई नहीं था जो कि मुझे ये बताता कि ओशन कब स्टार्ट होगा, यानी कि ये जो असल में ये सारी चीजें वो कब स्टार्ट होगी. अब यहाँ भी देखें, एक चीज लिख लीजिएगा, दैट इज द ऑब्स्टेकल्स और हिंड्रेंसेस इन जर्नी. ये जो क्लियर एटम्स हैं, ह्यूमन एयर है, ये सारे क्या है, ये ऑब्स्टेकल्स हैं और हिंड्रेंसेस हैं इन द जर्नी ऑफ अ विमेन. ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर एक विमेन को मूव करने के लिए जो है बहुत ज्यादा किस चीज की क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं औरत को. ठीक है, अगर औरत आगे जाना चाहती है तो उसको बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है. तो वो कहती है कि फिर वो क्या करती है, वो क्रॉल करती है लेडर, वो सॉरी क्रॉल लाइक एन इंसेक्ट डाउन द लेडर. तो यहाँ पे वो अपने आप को कंपेयर करती है, शी कंपेयर्स द टेंसेस ऑफ विद इंसेक्ट सेंस ऑफ स्मॉलनेस इन फोर्सेस. ठीक है, क्यों वो इंसेक्ट की तरह है कि वो इतनी अपने आप को कंपेयर करती है इंसेक्ट के साथ, इंसेक्ट सेंस के साथ, कि उस ट्रेडिशन में शी इज जस्ट लाइक एन इंसेक्ट. वो जो है उसकी शी इज वेरी नीक, और शी इज वेरी, जैसे कहना चाहिए, शी इज वेरी वीक एंड शी इज वेरी स्मॉल स्मॉल इन फोर्स इन दिस ट्रेडिशन. ठीक है, तो वो कहती है देयर इज नो वन
टू टेल मी व्हेन द ओशन विल बिगिन, और यहाँ पे कोई नहीं है मुझे बताने के लिए कि यहाँ देर इज नो वन. वो कहती है इतने बड़ी गाइगेंटिक सोसाइटी के अंदर, इतने बड़े गाइगेंटिक सी के अंदर नो वन इज देयर जो कि मुझे ये बता सके कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट कर, मतलब औरत को गाइड करने के लिए देर इज नो वन देयर. और यहाँ भी क्या है, लिख लें पॉइंट्स, लिखें सिंबल ऑफ कल्चर, ओशन इज द सिंबल ऑफ कल्चर, इनविजिबिलिटी, पास्ट हिस्ट्री. और फिर सेकेंडली जब वो ये कहती है कि ना आई एम द वन, अगेन देर इज द थीम ऑफ लॉन्लीनेस कि औरत जो है वो अकेली है, सॉलिटरी सिंगल जर्नी टास्क है, लिख लें सॉलिटरी सिंगल जर्नी टास्क, नो वन इज देयर और सपोर्ट हर और गाइड हर, नो वन इज देयर टू सपोर्ट हर और गाइड हर. अच्छा देन फिर क्या होता है, वो कहती है फिर जब मैं उसमें डाइव करती हूँ फिर क्या होता है, फर्स्ट द इट इज ब्लू, देन इट इज ब्लूअर एंड देन ग्रीन एंड देन ब्लैक, आई एम ब्लैकिंग आउट एंड येट माई मास्टर पार्ट. वो कहती पहले तो जो हवा एयर होती है वो ब्लू होती है, फिर ब्लूअर हो जाता है. आप देखें समंदर के किनारे पे खड़े होके देखें कैसे कलर्स नजर आते हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होते हैं समंदर को, कभी ऊपर से जाके, कभी पैराडाइज पॉइंट में हम लोग गए थे बहुत 93 की बात, अब तो वो पैराडाइज पॉइंट का वो ऊपर वाला जो ब्रिज है वो टूट गया ना, जो कुदरती तौर पे बना हुआ था एक बड़ा सा होल था वो टूट गया. 93 में हम आए थे, आई वॉज इन 3 क्लास एट दैट टाइम. अगर आप समंदर को कभी ऊपर से देखें ना, मतलब ऊंचाई से देखें, और वो काफी ऊंची बनी हुई थी, वो ब्रिज बहुत ऊंचा बना हुआ था, तो उस ऊंचाई से अगर आप देखें ना तो वो समंदर के कलर्स बहुत सारे नजर आते हैं. तो वो यहाँ पे वही बता रही है कि वो जो पहले तो उसको वो सारी एयर जो है यानी कि समंदरी जो कलर्स हैं वो ब्लू नजर आते हैं, फिर वो ब्लूअर और डार्क ब्लू हो जाते हैं, फिर वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड सेम इज द केस, ऐसे ही होता है, ठीक है, मैंने खुद देखा हुआ है, ऐसे ही होता है. एंड देन ब्लैक, और फिर वो ब्लैक सा नजर आना शुरू हो जाता है, एंड ब्लैकिंग आउट. ये तो खैर वो पेनिट्रेट कर रही है, लेकिन आप समंदर को थोड़ी सी ऊंचाई से देखें ना तो सेम ऐसे ही होता है, समंदर के कलर्स ऐसे ही नजर आते. और फिर वो कहती है बट माई एंड येट माई मास्क इज पावरफुल, पहले किस किस चीज ने, उसके फ्लिपर्स ने उसको सपोर्ट किया था, अब उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, उसका मास्क सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ये वो सारे टूल्स हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं. इट पंप्स माई ब्लड विद पावर, ये वो मास्क था जो पंप करता है मेरे ब्लड को विद पावर. नाउ लेट्स सी, यहाँ पे फर्स्ट द एयर इज ब्लूअर देन ब्लूअर यानी कि कलर ऑफ लाइफ एंड रिडेम्पशन, लिख लें द कलर्स ऑफ लाइफ एंड रिडेम्पशन, एंड देन ब्लैकिंग आउट दैट इज द डेथ एंड येट माई मास्क इज पावरफुल. अब वो कहती है कि भाई वो जो कलर ऑफ लाइफ थे, रिडेम्पशन थे, या वो फिर देन डेथ थे, यानी कि औरत की आइडेंटिटी को जिस तरीके से ब्लैक किया गया, उसको आगे बढ़ना नहीं दिया गया, लेकिन वो कहती है कि मेरा मास्क बड़ा पावरफुल था, ठीक है, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ द विल पावर इन साइड अ वीमेन. वो कहती नहीं मेरा मास्क फिर भी पावरफुल था, हालांकि वहां पे समंदर अपने कलर चेंज कर रहा था टू ट्रैप मी, ठीक है, वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था जब मैं अंदर जा रही थी, वो बार बार अपने रंग चेंज कर रहा था, लेकिन मेरा मास्क बड़ा पावरफुल था, मेरी जो विल पावर थी वो बहुत पावरफुल थी, मेरी इनर स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल थी. द मास्क, ये वो मास्क है जो कि एंटी ट्रेडिशनल था, कि उसने कहा कि ये मेरा इतना एंटी ट्रेडिशनल मास्क था वो ज्यादा पावरफुल था, मैंने ट्रेडिशनली उस वक्त भी बिहेव नहीं किया जब सोसाइटी ने मुझे किसमें ब्लू एंड देन ब्लूअर एंड देन ब्लैक में इंट्रैप करने की कोशिश की, और यही मेरी विल पावर थी जो कि पंप करती है मेरे ब्लड को विद पावर, ठीक. द सी इज एन अदर स्टोरी, वो कहती है ये ट्रेडिशन तो एक और स्टोरी है, सी हमेशा दैट इज रिप्रेजेंटिंग और सिंबलाइजिंग द ट्रेडिशनल ट्रेडिशन द पास्ट द वो एक ऐसी ट्रेडिशन जिसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की की शादी हो जाती है, मैं नहीं कहती कि आप जॉब करो या ना करो, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन अपने आप को सेल्फ ग्रूम जरूर करें. ये कोई तरीका नहीं है कि शादी होगी और उसके बाद 12 बजे सो के उठना है और सिर्फ बच्चे पालना और हमारा कोई काम नहीं है. एक काम जरूर है वो सेल्फ अवेयरनेस का होता है, जो हमने खुद भी अपने आप को भी सिखानी है, अपनी आने वाली जनरेशन को भी सिखानी है, ठीक है. तो सी जो है वो एक और स्टोरी है, ट्रेडिशन वे में हांडी रोटी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारा दिन हांडी रोटी करना गलत बात.
आप 2 टाइम खाना खा लें, 3 टाइम खाना खा लें, लेकिन सारा दिन किचन में अगर आप ट्रेडिशनली कुकी करते रहेंगे तो आप आगे नहीं जा सकते। आप खाना जरूर पकाएं, ठीक है, लेकिन ये जो एक लेबल लग गया है कि मर्द शोहर के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है, जो पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर स्लोगन है, हर बच्ची की शादी होने से पहले उसको यही चीज सिखाई जाती है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो वो कहता है कि ये जो सी है, ये ट्रेडिशन है, ये और स्टोरी है। द सी इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पार्ट। ट्रेडिशन या सी जो है वो कोई क्वेश्चन ऑफ पार नहीं है कि पार तुम्हारी है कि पार मेरी है। आई हैव टू लर्न अलोन टू टर्न माई बॉडी विदाउट फॉर्स। और मुझे ये सारी चीजें कि सी क्या कोई क्वेश्चन ऑफ पार है या नहीं है, या सी कोई और स्टोरी है, मुझे ये सारी चीजें लर्न करनी थी टू टर्न माई बॉडी, ताकि मैं, टू टर्न माई बॉडी मीन्स कि मैं अपने एक्शंस को कन्वर्ट करूं, मैं अपनी सोच को बदलूं, मैं कुछ आगे जाऊं विदाउट फोर्स, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। इन द डीप एलिमेंट, इन डीप एलिमेंट्स में मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो आई हैव टू लर्न अलोन, ठीक। तो बेटा दैट इज बेसिकली द सेल्फ अवेयरनेस, दैट इज बेसिकली द सेल्फ प्रोग्रेस, वी हैव टू लर्न अलोन, ठीक। तो दैट इज द थिंग। तो वो कहती है, एंड नाउ इट इज इजी टू गेट व्हाट आई केम फॉर अमंग सो मेनी हु हैव ऑलवेज लिव्ड देयर स्विंग देयर क्रेनेलेटेड फैंस बिटवीन द रीव्स एंड बिसाइड यू ब्रेथ डिफरेंटली डाउन हियर। वो कहती है एंड नाउ, अच्छा वो कहती है कि एंड नाउ इट इज इजी टू फॉरगेट, और अब मेरे लिए बहुत आसान है, व्हाट आई केम फॉर अमंग सो मेनी, कि इतने सारे लोगों में मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ। हु ऑलवेज लिव्ड हेयर स्विंग देयर क्रेनेलेटेड फैन, कि मैं यहाँ पे क्या, मैं उस पिक्चर को, उस ट्रैक को फाइंड आउट करने आई हूँ जो यहाँ पे समंदर की तह में रहता है। हु हैव ऑलवेज लिव्ड हेयर, मैं क्यों आई हूँ उस ट्रैक को फाइंड आउट करने के लिए जो हमेशा यहाँ पे रहता है समंदर की तह के अंदर, स्वेइंग देयर क्रेनेलेटेड फैंस, जो कि स्वे करता है अपने क्रेनेलेटेड फैंस। कहते हैं बेटा, पिक्चरस्क इमेज ऑफ अंडर वाटर क्रिएटिव बाउंड्रीज, ठीक है, जो कि कैप्चर हो गया है, स्वे कर गया है, कैप्चर हो गया है क्रिनलेटेड फैंग, यानी कि पिक्चरस्क, पिक्चरस्क इमेज, पिक्चरस्क इमेज, वो इमेज जो कि एक सोसाइटी ने एक औरत को दे दी कि तुमने बस इसी तरह बिहेव करना है, इससे आगे तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही होता है, जब लड़की पढ़ने ही लगती है ना, आप बाकी सारी चीजों को भूल जाए, सिर्फ वो स्टडी करने लगती है, तो सबसे पहले घर में सारे मर्द खड़े हो जाते हैं, ये तो कुछ नहीं कर सकती थी, ठीक है, भाई अलहदा, हर कोई अलहदा, अबू अलहदा, बेटा तूने तो आगे जाके हांडी रोटी करनी है, क्यों पढ़ रही है, दफा कर डिग्री को, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। और आगे चले जाए, अच्छा तुम पढ़ रही हो एम ए इंग्लिश कर रही, एमए इंग्लिश वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक। फिर आगे ये बच्चों के साथ, ओ वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल, इस तरह के रिमार्क्स आपको 99.9% लोग देंगे, और सिर्फ औरत को देते हैं, कभी मर्द को नहीं देंगे। वो कहती है, इस मैं उस स्वे कर गई, मैं मतलब यहाँ पे मैं उस औरत को ढूंढने आई हूँ जो स्वे कर गई है उस पिक्चरस इमेज ऑफ अंडर वाटर क्रिएटिव बाउंड्रीज के अंदर, अंडर वाटर क्रिएटिव बाउंड्रीज के अंदर, जो उसने अपने आप को स्वे कर लिया है, वो कैप्चर हो गई है उसके अंदर, मैं उसको देखने आई हूँ, लिव्ड हियर स्विंग बिटवीन द रीफ्स एंड बिसाइड, जो कि रीफ्स के अंदर रह रही है, ठीक है, क्यों, रीजन, वो रीफ्स कहते हैं बेटा लिमिट्स को, उस सोसाइटी के लिमिट्स को, उस सोसाइटी की जड़ी बूटियों के अंदर, उस सोसाइटी के गधे सड़े जो भी उसके माते हैं उसके अंदर, एंड बिसाइड यू ब्रेड डिफरेंटली टाउन हियर, और बिसाइड्स यू ब्रेथ, और तुम जो हो डिफरेंटली डाउन हियर, मतलब वो कर रही हो, अब वो यू चीज आल्सो पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन। वो कहती है तुम भी तो इस पार्ट, मतलब वो जो स्पीकर है वो अपने आप से बात करती है कि भाई तुम भी तो इसी सोसाइटी का पार्ट हो ना, तो तुम तो बहुत डिफरेंटली बिहेव कर रही हो, लेकिन ये औरत जो इसके अंदर पेनेट्रेट कर गई है, ये औरत जो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर गई है, ये औरत जिसको बता दिया गया है कि तुमने सारा दिन सिर्फ कुकिंग ही करनी है, तुमने सारा दिन सिर्फ मातम ही करने हैं, ठीक है, तो क्या है कि वो कहती है कि भाई उस औरत में और मुझ में तो बहुत फर्क है, सही हो गया,
तो वो फिर कहती है, मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ, आई केम टू एक्सप्लोर द रेस्ट। अच्छा तो यू ब्रेड डिफरेंटली डाउन हियर, शी इज रिमाइंडिंग हर सेल्फ के भाई तुमने इस तरह से बिहेव नहीं करना, तुमने डिफरेंट तरीके से बिहेव करना। एंड दीज आर द, यहाँ पे बेटा एक और चीज लिखें, शी हैज टू लर्न अलोन, सी लाइफ, शी हैज टू लर्न अलोन द सी लाइफ, बोथ आर अनरीचेबल एज हिस्ट्री। और ये जो लास्ट पैराग्राफ में आया था ना, डीप एलिमेंट्स, ये वाले डीप एलिमेंट्स, इसके आगे लिख लें, सिंबल ऑफ पैट्रियार्कल ट्रेडिशन और पार्ट ऑफ मेमोरी, सिंबल ऑफ पैट्रियार्कल ट्रेडिशन एंड पास्ट मेमोरी। अच्छा जी आगे चलो, वो कहती है यहाँ पे आई केम टू एक्सप्लोर द रेक। अब उसको याद आता है, मैं तो यहाँ पे रेक को एक्सप्लोर करने आई थी, द वर्ड्स आर द पर्पस, और मेरे वर्ड्स जो है वही मेरा पर्पस है, वही मेरा एम है, द वर्ड्स आर मैप्स, हम कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। अब वो कहती है कि मेरे वर्ड्स जो है वो मेरी पावर है, आई केम टू एक्सप्लोर द रेक, और मेरे एम्स और एम्बिशन है, ये मेरे जील और जेस्ट है, मेरे वर्ड्स जो है वो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मुनीबा मजारी की थी, जिसका टाइटल था पावर ऑफ द पावर ऑफ वर्ड्स, इंसान के अल्फाज की पावर कितने ज्यादा होती है। और वो कहती है कि मेरे जो वर्ड्स हैं वही मेरा एम है, माय पावर लाइज इन माय वर्ड्स दैट आई एम राइटिंग हियर, और आई एम गोइंग टू इन्वेस्टिगेट एंड आई विल राइट कि औरत के साथ क्या हुआ था, एंड द वर्ड्स ऑफ द मैप्स, और ये वर्ड्स वो मैप है जो औरत को रास्ता दिखाएंगे कि तुम्हारी आइडेंटिटी ये है। आई केम टू सी द डैमेज, मैं तो उस डैमेज को देखने आई हूँ, दैट वॉज डन एंड प्रेयर्स दैट प्रिवेल, जो कि उसके साथ हो चुका है और वो जो प्रेयर्स वो प्रिवेल कर चुकी है। आई स्ट्रोक द बीम ऑफ माई लैम्प, फिर वो कहती है मैं अपने बीम ऑफ माई लैम्प, लैम्प को ऑन करती हूँ, बीम लाइट को कहते हैं ना, फिर मैं अपना लैम्प